मैम आपकी आवाज कम आ रही है। मैम आपकी आवाज कम आ रही है। सुने? मैम अब ठीक है। बोलो बच्चे, केड़ा लेखक होएगा कहानी दा? कहानी दा लेखक सुब्बा सिंह, बलराज सानी? सुब्बा सिंह। सुब्बा सिंह दा तां आपां वार्तक लेख पढ़िया, गलत हो गया आंसर। सुब्बा सिंह दा वार्तक लेख केड़ा पढ़िया वी दसो। कहानीकार भी आंदा दसो, हुण तां पता लग सकदा केड़ी है। करणवीर। हां जी बेटे करणवीर। सविंदर सिंह उपल, ठीक है उपल। Yes, क्योंकि सुब्बा सिंह की केड़ी रचना पढ़ी, हूँ नाल ही लेखक लर्न कर लो। सुब्बा सिंह की केड़ी रचना पढ़ी? वहमी ताया। बलराज सानी की केड़ी रचना पढ़ी? मुड़ वेख्या पिंड। हूँ तुहानू तीन लेखक याद हो गए, तो यही तो तीन रचनावां ने, फिर तो दो कवितावां रह गईं। सारे पंजे लेखक लर्न कर लो नाल ही। सुब्बा सिंह का केड़ा लेख लेख पढ़िया? वहमी ताया। लिखो फिर तुहानू गलती नहीं लगेगी। इदा भी आ सकता है सविंदर सिंह उपल की केड़ी रचना है? वहमी ताया, मुड़ वेख्या पिंड, जन्मदिन, अंग संग, कोई जन्मदिन। तुसी केड़ी कहानी पढ़ी? फिर एक भी क्वेश्चन बन सकता है, जन्मदिन कहानी है, कविता है, कहानी संग्रह है के लेख है? किसकी कहानी है? सविंदर सिंह उपल। फिर ब्रेक लग गई सी तुहाडी, की फिर आंसर भुल गए। बलराज सानी की केड़ी रचना पढ़ी? मुड़ वेख्या पिंड। इसे करके ये ऑप्शन दी है कि तुहानू सारे क्वेश्चन लर्न हो जान। सविंदर सिंह उपल की केड़ी कहानी है? जन्मदिन, ठीक है। इस तो इलावा तुहाडे सिलेबस दो रचनावां रह गईयां, काव्य रचनावां। भाई वीर सिंह की कविता समा, विसाखी का मेला किसी लिखी हुई है? हुण एक कवि होर दस दो, दसो। हाँ जी, धनी राम चात्रिक दी, ठीक है। दो ही कवि याद करने हैं। धनी राम चात्रिक दी केड़ी कविता? यही तो क्वेश्चन इदां दे आने हैं, वन मार्क। समा कविता। आ दो कवि याद कर लो ते तीन लेखक याद कर लो, इस तो इलावा होर कोई रचना है ही नहीं, ठीक है। हुण भुलोगे तो नहीं, फिर रिपीट करदे हां। सविंदर सिंह उपल दी जन्मदिन कहानी, सुब्बा सिंह दा केड़ा वार्तक लेख? वहमी ताया। वहमी ताया दा मुख लेखक पढ़, मुख पात्र पढ़ चुके हो, कौन है वहमी ताया दा मुख पात्र? कौन है वहमी ताया? किन्नू क्या गया ताया? चलो भुल गए तुसी, बहुत हौली हौली याद आंदा है, ठीक है।
चलो स्टार्ट करिए लेखक दे बारे, सविंदर सिंह उप्पल दे बारे। लिखो बेटे क्वेश्चंस। सविंदर सिंह उप्पल का जन्म 8 अप्रैल 1924। ऑप्शन चाहेगा 7 अप्रैल 1924, 6 अप्रैल 1923, 8 अप्रैल 1924। करेक्ट आंसर इज, टेबल बना के लिखो, जन्म 8 अप्रैल 1924। ठीक है बच्चे। सेकेंड क्वेश्चन, पिता का नाम श्री फकीर सिंह, पिता का नाम सरदार फकीर सिंह, माता का नाम श्रीमती जयवंती, श्रीमती जयवंती। लर्न कर लो बेटे, ऑप्शन ची आना, ठीक है। श्रीमती सतवंती, श्रीमती भगवंती, श्रीवंती, श्रीमती जयवंती। तुसी किनू करेक्ट करोगे? जयवंती। जिवें पिता का नाम हकीम सिंह, हाकम सिंह, फकीर सिंह, फकीर सिंह, जो तुसी पढ़िया होएगा, तुसी कन्ना नाल सुनिया होएगा, तुहानू अपने आप पता लग जाएगा। ऑप्शन का यह फायदा होना, कई बार अपने आप माइंड च आंसर नहीं आता, जो तुहाडे सामने ऑप्शन आ जाए ता आंसर पता लग जाता कि आप क्लास से आंसर सुनिया होया, कितना कितने नेम साडे क्लास किन्नी बारी रिवाइज कराया गया, कि यही हो सकता है। यह बेनीफिट है कि क्लास बार बार जो तुसी सुनते हो वो तुहाडे माइंड से एक छाप लग जाती है कि हाँ ये वर्ड साडे माइंड चो निकलिया होया, साडे माइंड च उकरिया होया। ठीक है, नेक्स्ट बेटे क्वेश्चन लिखो। 1964 पीएचडी की डिग्री कदों हासिल की? केड़े सब्जेक्ट पीएचडी की? पंजाबी विषय, क्योंकि ताई पंजाबी का की बनिया हो लेखक, पंजाबी का लेखक बनिया। पीएचडी केड़े विषय की? पंजाबी च पीएचडी की। हुण लिखो प्रसिद्ध कहानी संग्रह ते कहानियां। कहानी संग्रह ते कहानी च की फर्क है, कोई दस सकदा? कहानी संग्रह ते कहानी विच फर्क कौन दसेगा? कहानी संग्रह ते कहानी च की फर्क है? अशिता, अर्शिता, कौन दसेगा बेटे कहानी ते कहानी, कहानी संग्रह विच की फर्क है? ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि जड़ी जन्मदिन है कहानी है कि कहानी संग्रह है? दसो, एक कहानी है कि कहानी संग्रह है? जब पता ही नहीं अपन संग्रह की हुंदा, काव्य संग्रह की हुंदा, कहानी संग्रह की हुंदा। चलो मैं एक क्ल्यू देनी हाँ, भाई वीर सिंह के काव्य संग्रह, उस दिन भाई वीर सिंह रचनावां लिखिया सी, लहरां दे हार, साइयां जियो, मटक हुलारे, ठीक है ना, बिजलियां दे हार, कंबदी कलाई, राणा सूरत सिंह, बहुत सारिया रचनावां अपनी, उन्होंने की कहिंदे है? काव्य संग्रह। कहानी संग्रह या काव्य संग्रह का भाव है जिदे विच बहुत सारिया कहानियां का संग्रह हो। संग्रह का की मीनिंग होया? इकट्ठ। हुण पता लग गया संग्रह का मतलब की है? इकट्ठ। हुण जन्मदिन कहानी है कि कहानी संग्रह है? कहानी है। हुण केड़े संग्रह चो लिखी है? लिखो क्वेश्चन, लिखो जन्मदिन कहानी केड़े संग्रह चो लई गई है? केड़े कहानी संग्रह चो लई गई है? मैं कहानी संग्रह लिख दी हाँ उन्होंने, नाले तुहानू रचनावां लर्न हो जाए। एक पासे कहानी संग्रह उन्होंने लिखो, सारे प्रसिद्ध कहानी संग्रह लिखो बच्चे। प्रसिद्ध कहानी संग्रह केड़े केड़े ने उन्हां विचों देखियो। प्रसिद्ध कहानी संग्रह ने, नोट करो, कुड़ी पटुहार दी, कुड़ी पटुहार दी, ये उन्हां दा कहानी संग्रह। टेंदे मुनारे, टेंदे मुनारे, पहले सारे कहानी संग्रह याद कर लो, क्योंकि इस तरह भी क्वेश्चन आ जाना है कि कुड़ी पटुहार दी किसका कहानी संग्रह है? बलराज सानी का,
सविंदर सिंह उप्पल का, सुब्बा सिंह का, नवतेज सिंह का, किदा है कहानी संग्रह? सविंदर सिंह उप्पल। पहला लेखक का नाम लर्न कर लो, सविंदर सिंह उप्पल। भुलना नहीं चाहिए जी कहानी आप पढ़ी, जन्मदिन, ढेंदे मुनारे, अगली भरा भरावां दे, भरा भरावां दे, भरा भरावां दे, ये सारे कहानी संग्रह ने। हुण आपां इन्हां विचों देखना है कि जन्मदिन कहानी किहदे च लई गई है। फस्ट है कुड़ी पठहार दी, पठहार दा इलाका है जो पाकिस्तान च है। हुण कुड़ी पठहार दी, ढेंदे मुनारे, भरा भरावां दे, दुद्ध ते बुद्ध, अपना पराया, अपना देश पराया देश, याद करने पैनिया रचनावां, दुद्ध ते बुद्ध, क्योंकि लैसन थोड़े ने, हुण उहनां बारे आपां थोरली रिवाइज करना है। दुद्ध ते बुद्ध, एक दुद्ध ते पुत कहानी हुंदी है, ठीक है, पर एक ही है दुद्ध ते बुद्ध, अपना देश पराया देश। टाइटल दे लो, एक कहानी संग्रह ने, किदे कहानी संग्रह ने, बोलो बेटे। अगला है हालांकि नाश नहीं होया, हालांकि नाश नहीं होया, ये भी कहानी संग्रह है, सिंगल कॉमिया च रखने हैं सारे ने, हालांकि नाश नहीं होया। अगे है लक्ष्मण रेखा, लक्ष्मण रेखा, टेबल बना के लर्न करोगे ता लर्न होने है, बहुत सारे कहानी संग्रह। लक्ष्मण रेखा, कच्चा रंग कुसुंब दा, कच्चा रंग हालांकि नाश नहीं होया, भी अजे नाश नहीं होया, नाश नहीं होया, कच्चा रंग कुसुंब दा। नेक्स्ट वासा स्वर्ग दा, वासा स्वर्ग दा, ये सारे कहानी संग्रह ने, ठीक है। मीन्स इन्हां दे विच बहुत सारिया कहानियां ने, किदियां? सविंदर सिंह उप्पल दियां। हुण आपां अगला क्वेश्चन करना है, जन्मदिन कहानी केड़े कहानी संग्रह चो लई गई है इन्हां विचों? हुण तुहानूं अजे तक तां पता नहीं है, हुण नाम दसांगे तुहानूं क्लीयर हो जाएगा। लक्ष्मण रेखा तो बाद है कच्चा रंग कुसुंब दा, नेक्स्ट है वासा स्वर्ग दा, वासा स्वर्गां दा, वासा स्वर्गां विच जिसका वासा हो जाए, ठीक है, जेड़ा माड़े कर्म करदा आपां कहिंदे नरकां च वासा होना तेरा, ठीक है। हुण लिखो क्वेश्चन, जन्मदिन कहानी केड़े कहानी संग्रह चो लई गई है? हुण चार ऑप्शन दित्तियां होणियां, जे तुसी पढ़िया नहीं होया तो तुसी गैस लगाओगे। मैं ऑप्शन बोल दी, लक्ष्मण रेखा, दुद्ध ते बुद्ध, भरा भरावां दे, ते वासा स्वर्ग दा। हाँ जी, कोई दस सकदा? एवं सोचो लैसन दे नाल रिलेटेड, वासा स्वर्ग दा, लक्ष्मण रेखा, दुद्ध ते बुद्ध, भरा भरावां दे। पहली ऑप्शन है लक्ष्मण रेखा, दूसरी ऑप्शन दुद्ध ते बुद्ध, तीसरी ऑप्शन भरा भरावां दे, लास्ट वासा स्वर्गां दा। तुहाडी बुक च तां दित्ता होया भरा भरावां दे। हुण याद करोगे जन्मदिन कहानी केड़े, जन्मदिन कहानी केड़े कहानी संग्रह चो लई गई है? भरा भरावां दे। जां उल्टा करो क्वेश्चन, भरा भरावां दे कहानी संग्रह चो केड़ी कहानी तुसी पढ़ी है? जन्मदिन, जन्मदिन। चलो नेक्स्ट, केड़े कहानी संग्रह ते, अगला क्वेश्चन लेखक नाल रिलेटेड, केड़े कहानी संग्रह करके लेखक नूं
पंजाबी साहित समीक्षा बोर्ड वालों पुरस्कृत किया गया, सम्मानित किया गया जलंधर दे पंजाबी समीक्षा बोर्ड वालों। पंजाबी साहित समीक्षा बोर्ड वालों केड़े कहानी संग्रह नूं पुरस्कृत किया गया, पुरस्कृत मीन्स केड़े कहानी संग्रह नूं पुरस्कृत मीन्स पुरस्कार मिलिया, सम्मानित किया गया। हाँ जी, दुत्ते बुत लक्ष्मण रेखा भरा भरावां दे कच्चा रंग कुसुंब दा केड़े कहानी संग्रह नूं पंजाबी साहित समीक्षा बोर्ड जलंधर वल्लों केड़े कहानी संग्रह नूं पुरस्कृत किया गया, केड़े कहानी संग्रह लक्ष्मण रेखा ऑप्शन आन गया भरा भरावां दे दुत्त ते बुत कच्चा रंग कुसुंब दा जां लक्ष्मण रेखा नूं पुरस्कृत किया गया। लक्ष्मण रेखा नूं पुरस्कृत किया गया किस वल्लों? हुण एक क्वेश्चन भी आ सकता है। कहानीकार सुरेंद्र सिंह उप्पल दे कहानी संग्रह लक्ष्मण रेखा नूं की प्राप्त होया? पुरस्कृत किया गया किहदे वल्लों? हुण इह पुरस्कृत किहदे वल्लों किया गया? इह वी क्वेश्चन है, अलग नोट करो। पुरस्कृत किहदे वल्लों किया गया? साहित्य अकैदमी वल्लों, बोलो, श्रोमणी कमेटी वालों, पंजाबी साहित समीक्षा बोर्ड वालों, किदे वालों? पंजाबी साहित समीक्षा बोर्ड वालों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, नेक्स्ट क्वेश्चन। हुण कहानी दे बारे, कल दे टेस्ट विच कहानी नाल रिलेटेड, लेखक नाल रिलेटेड क्वेश्चन आने हैं। जन्मदिन कहानी चो लिखो, एक बारी फिर लेखक दे बारे रिवाइज कर लिए। जन्मदिन कहानी दा लेखक सुरेंद्र सिंह उप्पल दा कहानी संग्रह है केड़ा? केड़ा सा कहानी संग्रह है? दुत्त ते पोत, भरा भरावां दे, अपना देश पराया देश, चौथी ऑप्शन, उपरोक्त सारे ही ठीक है, क्योंकि दुत्त ते बुद्ध भी पढ़ी है। अपना देश पराया देश भी तुसी, भरा भरावां दे भी, लास्ट ऑप्शन है उपरोक्त सारे ही। इस तरह की भी ऑप्शन आ सकती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन किया, सुरेंद्र सिंह उप्पल केड़ी पुस्तक समीक्षा बोर्ड वालों पुरस्कृत किया गया? कुड़ी पटवार दी, ढेंदे मुनारे, लक्ष्मण रेखा, वासा स्वर्गा दा, लक्ष्मण रेखा। सिर्फ केड़े केड़े वर्ड याद करने हैं? जन्मदिन कहानी जो तुसी पढ़ी है, लक्ष्मण रेखा नूं पुरस्कृत किया गया, ते एक होर केड़ी रचना याद करनी है? चलो मैं दस सकते, भरा भरावां दे क्यों याद करनी है? यस, भरा भरावां दे जिहा कहानी संग्रह जिहदे विचों तुसी कहानी जन्मदिन पढ़ी, ठीक है। इत्थों तक सब नूं क्लीयर? बोलो बच्चे। चलो हुण नैक्सट करिए, एक क्वेश्चन रह गया अपना, वह नोट कर लो। सुरेंद्र सिंह उप्पल दा जन्म कित्थे होया? ये मैं लिखवाना तुहानू रह गया। रावल पिंडी पाकिस्तान, पिंड तमियाल। जन्म स्थान की है? जन्म तो लिख लिया आप, 8 अप्रैल कड़ी डेट लिखी सी, दस सकते हो? 1924। हुण जन्म स्थान लिखो, पिंड तमियाल रावल पिंडी। ज्यादातर जिन्ने भी आप लेखक पढ़ते ना, तकरीबन रावल पिंडी पाकिस्तान दे ही होए है। रावल पिंडी पाकिस्तान, रावल पिंडी पाकिस्तान, ये आ सकता है
ਧਮਿਆਲ ਪਿੰਡ ਧਮਿਆਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲਾਹੌਰ ਠੀਕ ਹੈ ਡੇਟ ਹੈ ਬੇਟੇ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਵਾਈ ਹੈ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ 1924 ਹੁਣ ਲਿਖੋ ਅੱਗੇ ਕੁਐਸਚਨ ਜਨਮ ਦਿਨ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਪਾਤਰ ਜਨਮ ਦਿਨ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਪਾਤਰ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਰ ਸੁਣ ਲਓ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਜੁਗਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇਵਕੀ ਜੋਤੀ ਸੱਸਾ ਭਾਗ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਮੁੱਖ ਪਾਤਰ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੁਗਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵੀ ਹੈ ਮੁੱਖ ਪਾਤਰ ਵੈਸੇ ਮੇਨ ਪਾਤਰ ਜੁਗਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਦੋਂ ਇਕੱਲਾ ਇੱਕ ਇਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਏ ਠੀਕ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਹੋਣ ਪਰ ਜੇ ਤਿੰਨੋ ਹੀ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋਤੀ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਮੁੱਖ ਪਾਤਰ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਦੇਵਕੀ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਵੈਸੇ ਮੁੱਖ ਪਾਤਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਜੁਗਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਉਹਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਚੱਕਣਾ ਚੂਰ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਵਾਪਰਦਾ ਉਹ ਜੋਤੀ ਨਾਲ ਵੀ ਵਾਪਰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਜਨਮ ਦਿਨ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਪਾਤਰ ਜੁਗਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹੀ ਲਿਖੋਗੇ ਪਰ ਜੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਪਾਤਰ ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਆਉਣਾ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਹੀ ਏਦਾਂ ਕਰ ਲਓ ਮੁੱਖ ਪਾਤਰ ਜੁਗਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਐਂਡ ਵੀ ਜੁਗਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਤੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਬ੍ਰੈਕਟ ਚ ਲਿਖ ਲਓ ਮੁੱਖ ਪਾਤਰ ਜੁਗਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹੈ ਜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਏ ਮੁੱਖ ਪਾਤਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਜੁਗਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟੇ ਤੇ ਜੇ ਆ ਜੇ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਪਾਤਰ ਨੰਬਰ 1 ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਜੁਗਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸੈਕਿੰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਦੇਵਕੀ ਥਰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਜੋਤੀ ਫਿਰ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜੇ ਵਰਡ ਕੱਲਾ ਪਾਤਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੇ ਮੁੱਖ ਪਾਤਰ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰੋਗੇ ਟਿਕ ਜੁਗਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਜੁਗਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰੋਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹੈ ਹੀ ਜੁਗਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬੁੱਕ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗਲਤ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਮੁੱਖ ਪਾਤਰ ਜੁਗਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹੀ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਇਜ਼ ਜੁਗਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਤਨਖਾਹ ਵਧੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਦੱਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਂਸਰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਗਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤੇ ਹੈ PT1 ਇਗਜ਼ਾਮ ਕਿੰਨੀ ਤਨਖਾਹ ਵਧੀ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਤਤਿਕਸ਼ਾ ਮੈਮ 5 ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਵਧੀ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ 5 ਰੁਪਏ ਆਪਸ਼ਨ ਲਿਖੋ 3 ਰੁਪਏ 4 ਰੁਪਏ 5 ਰੁਪਏ 7 ਰੁਪਏ ਕਰੈਕਟ ਆਪਸ਼ਨ ਇਜ਼ 5 ਰੁਪਏ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆਂਸਰ ਲਿਖ ਲਓ ਭਾਵੇਂ ਆਪਸ਼ਨ ਨਾ ਲਿਖੋ ਟੇਬਲ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤਨਖਾਹ ਵਧੀ 5 ਰੁਪਏ ਇੰਨਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਨ ਫੈਕਟਸ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿਸਦਾ ਜਨਮਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਸਦਾ ਜਨਮਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕੋਈ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕਿਸਦਾ ਜਨਮਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦਾ ਜੁਗਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਾ ਸੇਠ ਮੁਨਸ਼ੀ ਰਾਮ ਦਾ ਜਾਂ ਸੇਠ ਲਖਪਤ ਰਾਏ ਦਾ ਨਾਮ ਆਇਆ ਸ਼ਾਇਦ ਲੈਸਨ ਚ ਸੇਠ ਲਖਪਤ ਰਾਏ ਦਾ ਨਾਮ ਆਇਆ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਸੀ ਹਾਰ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪਰ ਡਿਊਟੀ ਕਿਹਦੀ ਲਾਈ ਸੀ ਜੋਤੀ ਦੀ ਸੇਠ ਲਖਪਤ ਰਾਏ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਸੀ ਕਿਹਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਸੀ ਬ੍ਰਿਜੇਸ਼ ਹਾਂਜੀ ਬੇਟੇ ਬ੍ਰਿਜੇਸ਼ ਯੈਸ ਬੇਟੇ ਕਿਸਦਾ ਮੈਮ ਸੇਠ ਲਖਪਤ ਰਾਏ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਸੀ ਗਲਤ ਜਨਮ ਦਿਨ ਸੀ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਾ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਕੌਣ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਕੂਲ ਨਾਗਰਿਕ ਸਭਾ ਨੋਟ ਕਰੋ ਸਕੂਲ ਵੱਲੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾਗਰਿਕ ਸਭਾ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਬਰਾਦਰੀ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਜਨਮਦਿਨ ਕੌਣ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਕੂਲ ਨਾਗਰਿਕ ਸਭਾ ਬੋਲੋ ਬੱਚੇ ਪੰਚਾਇਤ ਜਾਂ ਬਰਾਦਰੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸਭਾ
ज्वाला प्रसाद कौन है? अगला क्वेश्चन, कहानी विच ज्वाला प्रसाद किस रूप विच आया है? मंत्री दे रूप विच, प्रिंसिपल दे रूप विच, मंत्री दे रूप विच, सरपंच दे रूप विच, किस दे रूप विच आया है? मंत्री दे रूप विच। ज्वाला प्रसाद कौन है? मंत्री है, जिसका जन्मदिन किस वालों मनाया जा रहा है बेटे? नागरिक सभा वालों। ठीक है, हुण भुलने नहीं चाहिए क्वेश्चन जेडे मैं एक बार रिवाइज कराते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जन्मदिन कहानी का अंत क्यों जिया सी? जन्मदिन कहानी का अंत हासरस भरिया, सुख भरिया, दुख भरिया, व्यंग भरिया? दुख भरिया सी। ये तां तुहानूं सभ नूं पता लग गया कि दुख भरिया सी। क्यों दुख भरिया है तो पता ही है तुहानूं, क्योंकि ज्योति की थां ते सेठ लखपत राय दे पुत्र नूं अगे वधा दिता। उन्होंने बेचारे ने इन्नी तैयारी की, पैसे इधर उधर कट्ठे किए, ओदी नवी ड्रैस लई, नवे बूट ले, जुराबा का जोड़ा लिया, पर इच्छावां चकना चूर होके रह गईआं। जदों मौके ते ही कौन अगे वधिया? सेठ लखपत राय दा पुत्र। जन्मदिन कहानी का अंत क्यों जा है? दुख भरिया। तुसी टाइटल देना दुख भरिया, सुख भरिया, हासरस भरिया, जां व्यंग्यात्मक व्यंग भरिया, की है? दुख भरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्योति केड़ी जमात विच पढ़दा सी? ये तुहानूं आना चाहिए, केड़ी जमात विच पढ़दा सी? पहली जमात विच, नर्सरी विच, केजी विच, दूजी जमात विच? केड़ी जमात दा? केजी विच। पहली विच, केजी विच, दूजी विच, नर्सरी विच, केजी विच? ज्योति किस कारण मंत्री दे गल विच हार पाउण लई चुनिया गया? वेरी गुड लीजा दा आंसर बिल्कुल सही, क्योंकि वह लाइक सी, होशियार सी, जिहड़ी भी ऑप्शन आए दोनों चो, गरीबी होने करके, गरीब होने करके, फुरतीला होने करके, लाइक होने करके, सिफारिश करके, लाइक होने करके, किस कारण मंत्री दे गल विच हार पाउण लई चुनिया गया? ते जे उल्टा आ जाए, सेठ लखपत राय दा पुत्र किवें अगे वधिया? किस कारण अगे वधिया? सिफारिश करके। ये तो अपने आप क्लीयर हो जाता है, ठीक है ना, सिफारिश करके। इहदा आंसर की होएगा बेटे? लाइक होने करके। जे लाइक की थां ते हुशियार आ गया, फिर हुशियार वर्ड देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस चीज की कमी, क्वेश्चन ध्यान नाल सुनियो, किस चीज की कमी जुगल प्रसाद नूं सदा गुस्सा चढ़ा दिंदी सी? किस चीज की कमी सदा उसनूं गुस्सा चढ़ा दिंदी सी? पैसियां दी, बीमारी दी, अनपढ़ता दी, पैसियां दी? इन्हां विचों कोई भी नहीं, पैसियां दी। किस चीज की कमी, किस वस्तु की कमी जुगल प्रसाद नूं हमेशा गुस्सा चढ़ाउंदी? जुगल प्रसाद ते ज्योति दा आपस विच की रिश्ता है? ज्योति दा जुगल प्रसाद नाल की रिश्ता है? प्यो पुत्र दा, चाचे भतीजे दा, मामे भांजे दा की रिश्ता है? प्यो पुत्र दा। ये भी नोट करो क्वेश्चन, ज्योति ते जुगल प्रसाद दा आपस विच की रिश्ता है? इसे तरह ज्योति ते देवकी दा भी आ सकदा रिश्ता, मां पुत्र दा, मां भांजे दा, मां भूआ भतीजे दा, ठीक है, मामी भांजी दा, जे मामी आएगा तो भांजा होएगा, ठीक है, जे भूआ होएगी तो की होएगा? भतीजा। जे मां होएगी तो की होएगा? पुत्र। ठीक है बच्चे, केड़ा रिश्ता है देवकी ते ज्योति दा? मां पुत्र दा। ते
प्यो पुत्र दा जुगल प्रसाद प्यो है, ये तो पता ही है तुहानू, ते ज्योति पुत्र है। नेक्स्ट देवकी ने ज्योति लई चिट्टी कमीज किस कपड़े दी बनवाई, पुरानी चिट्टी चादर दी, पुराने सूट दी, पुराने सूट दी, पुराने पजामे दी, जां इन्हां सभना दी? चिट्टी कमीज किसी बनवाई सी ज्योति लई, पुरानी चिट्टी चादर दी, चिट्टी चादर लभी सी ओनू फाड़ के बनवाई सी, पुरानी चिट्टी चादर दी। नेक्स्ट ज्योति वालों मंत्री नूं हार पाउण वाला समागम किहड़े दिन सी, शनिचरवार, ऐतवार, वीरवार, शुक्रवार? हां सोच लो, ऐतवार दा दिन सी, ऐतवार दे दिन समागम किया गया सी, किहदा? मंत्री दा जन्मदिन मनाउण लई। किसने मंत्री दे गल विच हार पाउण लई अगे वधण दी हिम्मत कीती, किसने मंत्री दे गल विच हार पाउण लई ज्योति दी बजाए अपने पुत्र दा नाम दिता, सॉरी अपने पुत्र दा नाम दिता सेठ लखपत राय, सेठ लखपत। बाकी बेटे कल दी क्लास रिवाइज करांगे, कल अपना टेस्ट इसे लेसन दा आना है। थैंक यू सो मच।